हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से स्कूल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंटरी एजुकेशन ऑफिसर और डेप्यूटी डायरेक्टर पोस्ट के लिए टोटल 12 वैकेंसीज का यहां पर जॉब का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन APSC दैट इज असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स तीन अलग अलग टाइप ऑफ पोस्ट है। पहला पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, सेकंड पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट एलिमेंटरी एजुकेशन ऑफिसर और थर्ड पोस्ट है डेप्यूटी डायरेक्टर। यहाँ पर फ्रेंड्स सारे पोस्ट मिला के टोटल 12 वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में रखा गया है। इन 12 वैकेंसीज में फ्रेंड्स अनरिजर्व्ड के लिए 6 वैकेंसीज, OBC MOBC के लिए 2 वैकेंसीज, SC के लिए 2 और STP के लिए 2 वैकेंसीज रखा गया है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस पोस्ट का सैलरी स्केल की बात करें तो ₹30,000 से लेके 1,10,000 तक यहाँ पर इस पोस्ट का सैलरी स्केल रखा गया है और साथ में ग्रेड पे 14,500 ग्रेड पे रखा गया है। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 38 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2023 के हिसाब से एज लिमिट रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम मास्टर डिग्री सेकंड क्लास लेके मास्टर डिग्री पास होना चाहिए और साथ में आपके पास BT या BA डिग्री भी होना चाहिए और साथ में यहाँ पर फ्रेंड्स इन दोनों में से कोई भी एक एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपको या अगर आपके पास 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास यहाँ पर फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का, उसमें 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तब जाके भी आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सिटीजनशिप की अगर हम लोग बात करें तो आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एज रिलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो SC के लिए 5 ईयर्स, ST के लिए 5 ईयर्स, OBC MOBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रेसिडेंटशिप की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स आपको परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम होना चाहिए और अप्लाई करने के टाइम में यहाँ पर आपको आइदर PRC जमा करना पड़ेगा या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ी भी आप लोगों को देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी फॉर जनरल और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹297.20 रखा गया है। SC, ST, OBC, MOBC के लिए ₹197.20 और BPL फैमिली के लिए ₹47.20 एप्लीकेशन फ़ी रखा गया। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, अगर हम लोग उसकी बात करें तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस रखा गया है ऑनलाइन। 15 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है 14 जनवरी 2024 तक आप अपना फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है, आज तो 16 दिसंबर है तो कल से ही यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हुआ है। आप यहाँ पर इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके यहाँ पर फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।